नमस्कार, जय हिंद साथियों, बफराए हम आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ साथियों, मध्य प्रदेश से जुड़ी अभी की बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। हाँ साथियों, बने रहिए न्यूज़ के साथ। इससे पहले आप चैनल पर पहली बार, तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हाँ साथियों, हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में इस बार भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से सत्ता में वापसी कर ली है और बीजेपी पार्टी ने अपने नया मुख्यमंत्री के रूप में मोहन यादव को चुन लिया है। जी हाँ साथियों, हम आपको बता दें इससे पूर्व मुख्यमंत्री सीएम शिवराज सिंह चौहान को मिलने वाला एक और नया काम। जी हाँ साथियों, दिल्ली में नड्डा से हुई मुलाकात को लेकर अटकलें दिखाई दे रही हैं। हाँ साथियों, बने न्यूज के साथ। हम आपको बता दें, हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी से मुक्त हुए शिवराज सिंह चौहान के भविष्य को लेकर बहुत ही बड़े कायस लगाए जा रहे हैं। जी हाँ साथियों, इसी बीच हम आपको बता दें, पूर्व सीएम मंगलवार को दिल्ली जाने वाले हैं और 19 दिसंबर को शिवराज सिंह चौहान की दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात होने वाली है। पार्टी सूत्रों के अनुसार, हम आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान सुबह दिल्ली जाएंगे, दिन में नड्डा से मुलाकात करेंगे। मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद चौहान का यह पहला दिल्ली का दौरा होने वाला है। हाँ साथियों, हम आपको बता दें कि अब मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान केंद्र सरकार की ओर से कुछ वाणिज्य मंत्री का पद लेने वाले हैं और पूरे भारत पर राज करने वाले हैं। जय हिंद साथियों, वीडियो चले तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो में।